We are here at Jaipur's very famous Khole ke Hanuman Ji temple. Jai Shri Ram. And this is the temple. आज हमें ऑटो वाले ने यहाँ तक छोड़ा, बाकी इफ यू कम इन द इवनिंग आर पार्क्ड लाइक अ किलोमीटर अवे फ्रॉम द टेम्पल एंड यू हैव टू कम वॉकिंग नॉट किलोमीटर अवे इट्स लाइक मे बी 500 to 600. क्लोज दिस बेल, शाम को खोल के। ये खोले के हनुमान जी का मंदिर है और बहुत बड़ा है। यहाँ पे लोग आके गोट करते हैं, गोट मतलब दाल बाटी चूरमा बनाते हैं, कुछ मिन्नत होती है उसको पूरा करते हैं, सवा मणि करते हैं और अलग अलग उन्होंने बना रखे। ये अंदर जाने का रास्ता है और मंदिर बहुत सुंदर है। बालाजी का मंदिर है, ऊपर राम जी का मंदिर है। सो ये मंदिर 1916 में बना था और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और मिन्नत पूरी हो जाती है। यहाँ पे शिव का मंदिर है, राम का मंदिर। हाँ, ये जिन्होंने बसाया था ना मंदिर, जो खोले के हनुमान जी टेम्पल। ये मंदिर अरावली पहाड़ के बीच में बना हुआ है और बहुत सुंदर है। रोपवे की तरफ जा रहे हैं और ये पहला रोपवे है जो जयपुर में बना है। ऊपर की तरफ एक्चुअली माँ का मंदिर है, वैष्णो देवी का। पहले सीढ़ियाँ थी, अब वो रोपवे से कनेक्ट कर दिया है और इतना सुंदर लग रहा था रोपवे में जाना। रोपवे से ऊपर जाने की कॉस्ट और आने की कॉस्ट 150 है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। ऊपर काम चल रहा है अभी और बहुत सुंदर दिखाई देता है। हम फाइनली बैठ गए रोपवे में एंड इट्स बोथ ऑफ आवर फर्स्ट टाइम इन दिस पर्टिकुलर रोपवे। यस, ये अभी अभी नया नया बना वैष्णो माता का रोपवे और ये हमारे आगे वाले रोपवे तो खाली है, काफ़ी कम लोग हैं क्योंकि मंडे है। सो या चार्जेस काफ़ी हाई है, 173 फॉर वन पर्सन। आई डोंट, या इट्स ओके टू एक्सपीरियंस। लेट्स गो एंड सी ऑन द अदर साइड। हाँ, वैष्णो माता का नेचर पूरी तो ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हमें खोले हनुमान जी का जो मंदिर है उसका पूरा कंस्ट्रक्शन दिखा और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। और अरावली पहाड़ से घिरा हुआ है और अलग ही इसकी सुंदरता, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा था हम पहाड़ के बीच में हैं और सब तरफ काटा है। Stopped over here and now we are going walking. Masi is interested in getting a picture. Just clicked over here. अभी ऊपर जाके है मंदिर, I guess ऊपर जाके है। जब ऊपर की तरफ हम जा रहे थे तो हमने मंदिर देखा और उसकी सीढ़ियों से भी लोग आते हैं इस मंदिर पे, बट अब जब से रोपवे बन गया है तो लोग रोपवे से भी आते हैं और सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ रहती है। मंदिर सुंदर है बट और काम चल रहा है इस मंदिर में। यहाँ से आपको जयपुर दिखाई देता है। ये वैष्णो देवी माता का मंदिर बनाया है और बहुत ही सुंदर मंदिर है और हमारे दर्शन भी अच्छे से हुए। फिर हम वापस रोपवे से नीचे आ गए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, ऊपर जाके दर्शन हुए माता के और हमने बहुत अच्छे से दर्शन लिए और अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय चैनल। पीछे से जा रहे हैं हमारे सारे रोपवे गंडोला। जब हम उतर रहे थे तब हमने पीकॉक को भी देखा, इतना सुंदर लग रहा था पीकॉक, क्योंकि राजस्थान का ये जयपुर कैपिटल है और यहाँ पे मंदिर दिखाई दे रहा है और पहाड़ों के बीच में बालाजी का मंदिर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल
as much as you can, share as much as you can, people can see, and take the blessings of Balaji. अब हम धीरे धीरे नीचे गंडोला से उतर रहे हैं और हम मंदिर को देख रहे हैं पहाड़ों के बीच में, और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है. हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एज मच एज यू कैन डू.